आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके वीवो फ़ोन में सिम कार्ड का नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिम कार्ड का नेटवर्क शो नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए वीवो फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए, अभी नेटवर्क एंड इंटरनेट आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर अभी ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क आएगा, इस पर क्लिक करिए। और इस पर क्लिक करेंगे, अब नीचे आइए, सिम कार्ड इन्फो एंड सेटिंग्स आएगा, तो ये सिम वन आएगा, सिम वन पर क्लिक करिए। ऊपर अभी इनेबल सिम कार्ड आएगा, ये ऑन है तो इसे बंद करिए, ये बंद होने के बाद ऑन करिए, इनेबल करिए। अब ये इनेबल सिम कार्ड ऑन होने के बाद नीचे आइए, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आएगा, इस पर क्लिक करिए। अगर आपका ये 2G 3G सेलेक्ट है तो 4G सेलेक्ट करिए, या फिर अगर आपके फ़ोन में ये 5G आएगा तो ये 5G प्रेफर्ड सेलेक्ट करिए। ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद अब बैक आइए, बैक आएंगे तो ये सिम टू आएगा, सिम टू पे क्लिक करिए। सिम टू में इनेबल सिम कार्ड ऑन है तो बंद करिए, बंद करने के बाद ऑन करिए। अब ये सिम कार्ड ऑन होने के बाद सेम नीचे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आएगा, इस पे क्लिक करिए। 2G 3G सेलेक्ट है तो ये 4G प्रेफर्ड सेलेक्ट करिए। नीचे आइए, वोल्टी बंद है तो इसे ऑन करिए। ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद बैक आइए, फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आएंगे तो ये सिस्टम आएगा, सिस्टम पे क्लिक करिए, रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब आएगा ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इस पे क्लिक करिए। नीचे रीसेट सेटिंग्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। तो अपने फ़ोन का लॉक पासवर्ड एंटर करिए और रीसेट सेटिंग पे क्लिक करिए। ये करने से कोई डेटा कुछ डिलीट रीसेट नहीं होता है, तो ये रीसेट सेटिंग पे क्लिक करिए, नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करिए। उसके बाद अपने फ़ोन को रीबूट करिए, बंद करके चालू करिए। और अब चेक करिए आपके वीवो फ़ोन में सिम कार्ड का नेटवर्क आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।